Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Technology is ruling the world. Well, I don't think it's exactly the right way of saying it. The right way would be technology is taking the world forward. It's improving the world. It's making life more comfortable. It's making life automatic for us. Today, we're going to talk with a person who has improved the e-commerce, who has improved the internet communication in the city for the business people, and who has taken the business a step forward. There's so many e-commerce platforms which are available, और उस पे लोग business करते हैं दुनिया भर से, grow कर रहे हैं. और आज के हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने हमारे शहर को, हमारे वतन के लोगों को ई-कॉमर्स और ऑनलाइन जितने भी ट्रेडिंग्स हो रही हैं उसमें ट्रेन किया है, ना सिर्फ बल्कि उनको वहाँ पे हाथ पकड़ के साथ लेके गए हैं कि हमने अब इंटरनेशनली कम्पीट करना है, अपने बिजनेस को इंटरनेशनली लेके जाना है, ताकि वी शुड नॉट बी लेफ्ट अलोन, वी शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड. A very inspiring story. आज हम उनसे उनके बचपन से लेके इस मुकाम तक पहुँचने तक की सारी स्टोरी सुनेंगे. और फॉर यंग पीपल, बच्चों, आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप ये देखिए कि ये मोहतरम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं. आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं और इनकी इनिंग्स जारी है, तो आपने ये देखना है कि किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. और ये भी देखना है कि एजुकेशन क्या होती है, रियल एजुकेशन सीखना क्या होता है, कहाँ से क्या सीखता है बंदा, ये सारी चीज़ें आपने नोटिस करनी है. और आई एम वेरी श्योर यू हैव अ लॉट टू लर्न. अगर आप एक एस्पायरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप कंप्यूटर साइंसेस पढ़ रहे हैं और आपको ये लगता है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी, मैं क्या करूँगा, तो आज का प्रोग्राम भी आपके लिए इंतहाई मुफीद रहेगा. सर, अस्सलाम वालेकुम सर. हमारे साथ हैं सीईओ और फाउंडर ऑफ वेब एक्सेल्स, मिस्टर शहबाज साहब. तो शहबाज साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम द ब्रेन्स. थैंक यू. सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ से आपने एजुकेशन हासिल की शुरू में? मैं सियालकोट से, ज़िला सियालकोट से ही तलक रखता हूँ, और मेरी फैमिली बिलोंग फ्राम सियालकोट से ही है. गांव में पैदा हुए, ठीक. और उसके बाद दो चार साल, जब मेरी पाँच साल की उम्र की, तो हम लोग समड़ियाल में, ये डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर ही तहसील है, हम लोग शिफ्ट हो गए, ठीक. और उसके बाद मैंने वहाँ स्कूल लाइफ स्टार्ट की, बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल से, बेसिक से टाट पे बैठ के पढ़े, ठीक. और जब ये स्टडी की, जब मैट्रिक किया, मैट्रिक करने के साथ साथ ये था कि मैंने जब मैट्रिक किया तो मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने मैट्रिक जो है अपने बलबूते पे की है, ठीक. बिकॉज मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला भी नहीं था, ठीक. और मैं ट्यूशन भी नहीं था ले सकता, ठीक. तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो टीचर्स थे बड़े अच्छे थे, उनसे सीखा, उन्होंने सिखाया. सेकंड ये कि अपनी मेहनत के बेस पे एफर्ट की, कोशिश की खुद लड़ने की, और इस तरह से मैंने मैट्रिक अच्छे नंबरों से फर्स्ट डिवीजन में पास किया. उसके बाद कॉलेज गए. जी बताइए कि जब आपने मैट्रिक किया था तो आपने कोई टॉप किया था वहाँ पे या नॉर्मल नंबर थे आपके? नहीं, मैं सिर्फ फर्स्ट डिवीजन में नॉर्मली पास हुआ. तो ये चीज़ तो आपके लिए, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में मेरी पास थी तो मेरे लिए यही काफ़ी था. ठीक है सर, दिस इज द फर्स्ट लेसन कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा या बेटा, आप खुद टॉप ही करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे. अगर आप बेसिक एजुकेशन आपको मिल रही है, जैसे उन्होंने कहा कि आई डिड इन फर्स्ट डिवीजन, अच्छे नंबर हैं लेकिन टॉप नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो ये वालिदैन के लिए है कि अगर आपका बच्चा फर्स्ट डिवीजन में पास हो रहा है तो खुश हों कि वो भी कल को इनकी तरह बन सकता है. तो आप इस चीज़ पर कॉन्सनट्रेट कीजिए कि वो ग्रो कैसे करेगा, ना कि इस पर कि उसने टॉप किया या नहीं. ऑलराइट सर, आपने मैट्रिक कर लिया तो उसके बाद फिर आपने क्या किया, कहाँ गया पढ़ने? उसके बाद समड़ियाल में गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पे एडमिशन ले लिया, ठीक है. और वहाँ पढ़ा. फिर उसके बाद मैंने जब वहाँ से बेसिक स्टडी पास कर ली है, फिर मैंने जॉब स्टार्ट कर ली. बेसिकली आई फील कि मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट नहीं थी कर पा रही, ठीक है. सो वो मैंने फिर साथ में स्टडी की प्राइवेटली, और प्लस साथ में जॉब
स्टार्ट कर लिया। तो आपने क्या किया सबसे पहले जब आपने जॉब स्टार्ट की, तो क्या काम करते थे आप? मैं बेसिकली जब करता था उस वक्त मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, ठीक, क्योंकि वो एक उस दौर में, क्योंकि ये 97 की बात है या 96 में मैंने मैट्रिक किया, ठीक, तो ऑफकोर्स उसके बाद उस दौर में कंप्यूटर भी नहीं था इतना ज़्यादा, बहुत ना होने के बराबर था, तो अप्रोच में नहीं था, बल्कि नॉर्मल पर्सन तो कंप्यूटर परचेज नहीं था कर सकता, क्योंकि P1 की प्राइस उस वक्त 1,00,000 रुपया होती थी। ऐसा ही बिल्कुल ऐसा। तो ऐसा फिर वो, लेकिन ये है कि मुझे कंप्यूटर सीखने का शौक ज़रूर था, ठीक, कि मैं सीखूं। सो इसलिए मैंने फिर जब वो मैट्रिक किया या मैंने सेकंड ईयर पास कर ली, तो फिर मैं आगे चला गया, साथ में जॉब अपना टीचिंग करनी शुरू कर दी स्कूल्स में, ठीक, और साथ में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पर काम किया, वो मैंने पास की। इसके बाद मैंने जब वो मैं पास कर गया, इन बिटवीन में एक वाक्या बड़ा ज़बरदस्त हुआ। वो क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब ने मेरी शादी कर दी। अच्छा, तो आपकी एक मिनट, ये बात है, आपने ग्रेजुएशन की होगी 2000 में कहीं, ऑलमोस्ट जो, यस 2000, यस, तो 2000 ही में आपकी शादी हुई? 2001 में मेरी शादी मेरे वालिद साहब ने कर दी। ठीक, यानी मेरा रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ अभी, मेरा पास नहीं हुआ। ठीक, तो मैं उनसे कह रहा हूँ प्लीज़ मुझे ना आगे काम जॉब कोई अच्छी ढूंढ लेने दें। आपकी उम्र तकरीबन 22 साल होगी उस वक्त? उस वक्त मेरी उम्र कोई, हाँ 24 साल। 24 साल, ठीक है, ओके। तो आपकी शादी हो गई? मेरी शादी कर दी। मैंने बड़ी उनकी रिक्वेस्टें की कि यार प्लीज़ ना करें, मुझे कोई जॉब अच्छी ढूंढ लेने दें। ठीक, तो कहते हैं बेटा यार तुमने क्या करना है, शादी तो हमने करनी। मैं अच्छा जी, आखिर फिर मजबूरन मानना पड़ा। मैं कहा चलें, फिर मेरी शादी हो गई और नतीजा ये हुआ कि फिर कुछ आपको पता ही है होता है फैमिलीज़ में कि कुछ टाइम के बाद फिर वो, मैं अपनी फैमिली में था भी छोटा, तो एक बड़ी मज़े की बात यह है कि कुछ देर के बाद वाले साहब ने फील किया कि अब ठीक है यार, शादी कर दी है, मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं। बेटा, मुझे एक दिन बुलाया, बेटा अब तुम अपनी फैमिली को खुद ही रन कर रहे हैं। अच्छा, ये भी मुझे मेरे ऊपर और एक जिम्मेदारी डाल दी। ठीक है, मैंने स्कूल छोड़ा और फिर एक जॉब के लिए अप्लाई किया। बेसिक जॉब मेरी 1800 से स्टार्ट हुई। ठीक है, ये ये तकरीबन 98 में, ये 2000 में, 2000 में, ठीक है, तकरीबन। तो बस वो 1800 से मैंने फिर ऐसे, क्योंकि इन बिटवीन मैं कंप्यूटर सीखा साथ में मैंने, उसमें जब मैं कॉलेज लाइफ में था साथ साथ मैं शॉर्ट कोर्सेज कर रहा था, ठीक, इसके लिए आईटी के लिए कंप्यूटर के मैंने डिज़ाइनिंग के रिलेटेड मैंने सीखा, और फिर मेरे पास कुछ थोड़ी बहुत स्किल आ चुकी थी उस दौरान में, ठीक, देन मैंने फिर उसके बाद जॉब के लिए अप्लाई किया कि मेरा गुजारा नहीं था उस, मतलब प्राइवेट स्कूल में दोस्त के साथ, वो तो ऐसे गपशप थी, वो उसको टाइम देते थे बस ऐसे ही बैठना, गपशप लगानी, बच्चों को पढ़ा देना, ठीक, लेकिन वो उससे कोई इनकम नहीं थी मेरी, असल टाइम पास था। तो जब मैं जॉब अप्लाई की, जॉब मिल गई, फिर मैंने उसके बाद ये किया कि वहाँ पे मुसलसल गवर्नमेंट जॉब थी आपकी, नहीं प्राइवेट जॉब थी? प्राइवेट जॉब है ये, ठीक। मैंने एक आईटी की कंपनी थी सियालकोट की, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स के नाम से, वहाँ पे जॉब स्टार्ट की, ठीक। और जब स्टार्ट की तो मैं तकरीबन उसी कंपनी के साथ 13 ईयर जॉब करता रहा। अच्छा, तो वहाँ पे आप क्या करते थे? मैं एज ए बेसिक डिज़ाइनर स्टार्ट किया था। डिज़ाइनर? यस जी, बेसिक डिज़ाइनर। ऑलराइट, सो देयर इज अनदर पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू यंग पीपल। आप में से कई लोग BSc कंप्यूटर साइंस करके या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके घर बैठे और सोच रहे हैं कि जॉब चाहिए, तो एक शख्स कॉलेज में है और वो साथ साथ शॉर्ट कोर्सेज कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहा है और बहुत सारी चीज़ें कंप्यूटर रिलेटेड सीख रहा है, तो वो शख्स एक कंप्यूटर आईटी कंपनी में जाके ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम स्टार्ट कर देता है और सिंपल ग्रेजुएशन की है, लेकिन साथ साथ वो हुनर सीखा है, स्किल सीखा है, क्योंकि वो हुनर अवेलेबल है मार्केट में, आप शॉर्ट कोर्सेज करके सीख सकते हैं, तो उन्होंने वो काम सीख के एक कंपनी में काम करना शुरू किया है ताकि अपने स्किल्स को नर्चर करें और अपनी जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड भी करें। तो आपने 13 साल उस कंपनी में काम किया, तो उस दौरान, अब जब आप काम कर रहे थे उस दौरान भी आप सीखते रहे कुछ ना कुछ? ऑफ कोर्स, मैं उस कंपनी में स्टार्ट तो एज ए डिज़ाइनर किया था, ठीक है, और इसके बाद मैं कुछ उसके कोडिंग से रिलेटेड भी ट्राई करता रहा, वो अच्छा। भी सीखी, मतलब उसकी डेवलपमेंट के हवाले से भी सीखा। सेकंड फिर मैंने ये किया कि कुछ बाइकोडलक थी, मैं समझता हूँ एक उनका पर्सन था, मैनेजर था, वो छोड़ गया ऑफिस में से, और वो जॉब थी मार्केटिंग की, ठीक। उन्होंने मुझे कहा कि आप कुछ टाइम के लिए हमारा ये पर्सन है, ठीक। तो शायद उन्हें मेरे पे ट्रस्ट था कि ये यहाँ टाइम उन्होंने चाहिए था, उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी की मुझे शेयर की कि आप, हमारे पास एक जॉब है
मार्केटिंग की, तो आपको कुछ टाइम के लिए हम लोग इधर लेके आना चाहते हैं, तो आप कर लेंगे? मैंने कहा, मैंने उस पर कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दें सोचने का। 2 दिन मैंने सोचा उस पर काफ़ी, और मशवरा भी किया जो मेरे साथ सीनियर थे कुछ, उनसे कुछ एक दोस्त से भी। तो एक दोस्त मेरा जो था, जॉब भी कर रहा था, उससे उसने कहा यार शुभाष सीखने को मिले काम कोई भी तो कर लेना चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी है। मैंने कहा ओके आई कैन डू। अब वो जॉब बड़ी मुश्किल थी और बड़ी हार्ड थी। ठीक है। वो हार्ड इसलिए थी कि वो जॉब थी असल में स्क्रैच कार्ड सेलिंग की। उस दौर में इंटरनेट नहीं था होता, यानी PDCL वगैरह नहीं थे, आपको नहीं था उस वक्त, स्क्रैच कार्ड सेल होते थे। और वो एक कंपनी थी POL के नाम से, पाकिस्तान पूल इंटरनेट, तो वो पाकिस्तान ऑनलाइन के नाम से, तो उस कंपनी के स्क्रैच कार्ड थे इंटरनेट यूज़र के लिए, वो सेल करने होते थे। अब वो मुझे उन्होंने कहा कि आपने ये करना है, ये पर्सन आपको 10 दिन आपको ट्रेनिंग देगा, उसके बाद आपने ये काम करना होगा। ओके कोई बात नहीं। मैंने 10 दिन 15 दिन महीना उनके साथ स्पेंड किया। और वो जॉब क्या थी, यहाँ से पूरी सियालकोट सिटी है, इसके अलावा शक्कड़गढ़ है, नारोवाल, जफरवा, चुविंडा, पसरूर, डस्का, ये वो सारे एरियाज हैं जिनको मैंने कवर करना है। ठीक है। अब ये देखें कि ये जो एरिया जिन्होंने आपको बताया है, वो एक इंतहाई पॉपुलर बिजनेस टाइकून है, उनकी सेइंग है कि इफ़ यू आर गेटिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आपको काम नहीं भी आता तो ग्रैब इट, ले लें अपॉर्चुनिटी और फिर वो काम सीख के करना शुरू कर दें, तो यू विल लर्न ड्यूरिंग द प्रोसेस टू। कोई भी सीख के नहीं आता कहीं से। तो उन्होंने आपको बताया कि इनका जो एरिया था, जो अभी इन्होंने आपको बताया है सारा एरिया जहाँ से स्टार्ट था जहाँ तक, तो डस्का से शक्कड़गढ़ तकरीबन 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये 100 किलोमीटर और ऐसी टेरेन है कि यहाँ पे रोड, ये सूर जी अगर कंप्लीट मैं चक्कर लगाता हूँ तो 250 किलोमीटर है आना जाना। जी आना जाना टोटल, अगर मैं यहाँ से सियालकोट से निकलता हूँ, मैं यहाँ से जफरवाल जाता हूँ, शक्कड़गढ़ जाता हूँ, नारोवाल जाता हूँ, पसरूर आता हूँ, फिर उधर से वापस आता हूँ सियालकोट में, ये 250 किलोमीटर सफ़र है जी। मैं तो जो कि मैं बाइक पे करता रहा। ठीक है। तो ये वन वे तकरीबन जो मैं बता रहा था कि 100 किलोमीटर के करीब था, तो उन्होंने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दे दी है कि 250 किलोमीटर एक शख्स का एरिया कवर करता है मोटर बाइक पे, और रोड्स की हालत इतनी ख़राब है कि मैं आपको बता नहीं सकता, कोई हाल नहीं था। तो मैं आप ये देखें, नो पेन्स नो गेन्स। तो वो बच्चे जो ये कहते हैं कि मुझे ज़रा बेहतरीन ऑफिस बना के दें, अच्छी गाड़ी दें, एसी लगा के दें, तो बेटा ये देखें कि यहाँ तक पहुँचने के लिए द मैन हैज़ डन इट ऑन अ मोटर बाइक। टूटी हुई रोड्स, मट्टी, पानी, कीचड़, ये सारा कुछ बर्दाश्त करके तब जाके सीखने को कुछ मिला है। तो ये जो आपके पास इल्म के समंदर होते हैं ना, बड़े बड़े लोग, इसके पीछे बड़ी एफर्ट होती है, बड़ी मेहनत होती है। तो मकसद ये है कि आपके सामने वो एफर्ट लाई जाए, ताकि आपको ये पता हो कि ये इट्स नॉट एन ओवरनाइट सक्सेस, यू हैव टू वर्क फॉर इट। ये जो ओवरनाइट सक्सेस है ना, इसके पीछे साल साल की मेहनत होती है। तो ये देखते जाएँ साथ साथ और सीखें भी। सर, 250 किलोमीटर का एरिया वो कवर करना और वो कार्ड सेल करके, तो उससे आप जब क्या सीखा फिर आपने उससे? बहुत कुछ सीखा मैंने, बिकॉज क्योंकि उससे पहले मैं फील करता था लोगों से जो मेरी इंटरेक्शन थी या मेरी कम्युनिकेशन का जो मसला था, ठीक, मेरी वो बहुत अच्छी हो गई। ठीक। मेरी लोगों से जो इंटरेक्शन, हम लोग अपनी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाते, मुझे सेलिंग नहीं थी आती, मैं आई एम नॉट सेल पर्सन बेसिकली। तो जब वो मैं उनके साथ उस जॉब में गया हूँ, मैंने शॉप्स वालों को भी मिला हूँ, मैं ऑफिसज़ में भी गया हूँ, मैं कंप्यूटर वालों से भी मिला हूँ, मैं हर वो होस्ट कंपनीज में भी सच टाइम गया हूँ, उसका मतलब ये कि मुझे मेरी इंटरेक्शन डिफरेंट लोगों से हुई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ी और मुझे उससे फ़ायदा होना शुरू हो गया। क्या फ़ायदा हुआ बेसिकली, वो जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मैंने 3-4 महीने गुजारने के बाद जब हुआ तो मैंने कहा सर सॉरी मैं ये जॉब नहीं करूँगा। उन्होंने कहा क्यों जी? सर अगर मैंने ये जॉब करनी है तो मैं ऐसे नहीं करूँगा, क्योंकि जो सिस्टम आप लोग काम कर रहे हैं वो सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा इस बिज़नेस को। उन्होंने कहा जी क्यों? मैंने कहा सर असल बात यह है कि मार्केट में कंपटीशन है, आप मुझे जो प्रोडक्ट दे रहे हैं इसकी वैल्यू, ऑफकोर्स आपके सर्विस बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी वर्थ के साथ साथ कंपटीशन भी है, दूसरी कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो काम कर रही हैं, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है लेकिन इनोवेशन नहीं, कस्टमर के लिए अट्रैक्शन कोई नहीं। कहते हैं क्या करें? मैंने कहा सर एक ऑफ़र बनाएं,
ऑफर इस तरह की होनी चाहिए। मैंने उनको बताया, कहते अच्छा ठीक है, बॉस बहुत अच्छे थे, अल्लाह उनको सेहत दे। वो कहते हैं अच्छा क्या शुबाज मुझे 10 दिन का टाइम दो। ठीक, 10 दिन गुजरे, उन्होंने मुझे फिर दोबारा मीटिंग के लिए बुलाया। ठीक, मैंने मुझे कहते हैं या शुबाज ठीक है, गेट रेडी, नेक्स्ट 10 डेज में आपको ये ऑफर मिल जाएगी। ठीक है सर, सर बहुत अच्छी बात है सर। 10 दिन के बाद मैंने वो, जब उन्होंने मुझे वो प्रोडक्ट दी, मैंने दोबारा उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की, तो नतीजा क्या हुआ, जो सेल उनकी 3-4 लाख उस दौर में थी वो चली गई 12-13 लाख पे। ठीक है, यानी नतीजा ये हुआ, वो सिर्फ ये था कि मैं जो काम कर रहा था मुझे लग रहा था कि इसमें इंटरेक्शन कोई नहीं, मज़ा नहीं है। ठीक है, और मेरे लिए भी फ़ायदा नहीं, मेरी कंपनी के लिए भी फ़ायदा नहीं है। तो वो सो जो मैंने फीलिंग ली, सो समझा, मैंने अपना शेयर किया उनसे, और उन्होंने मेरी इस बात को चले एग्री किया और उस पर एक्शन लिया। तो मैं समझता हूँ उनका भी फ़ायदा हुआ, मेरा भी फ़ायदा हुआ। मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मुझे उस पर कमीशन मिलती थी, जहाँ पे मेरी इनकम उस दौर में, अगर मैं मेरी सैलरी उस वक्त जब ये मुझे उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी कोई 8,000 के करीब होगी। ठीक, तो मेरी वो कमीशन डाल के कोई 25-30 हज़ार रुपये चली गई। तो आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ। ऑलराइट, आपने देखा कि मोहतरम एक काम कर रहे थे, बड़ा आसान होता, सैलरी तो हर महीने के एंड पे मिलती है ना, वो तो मिल ही रही है, तो ठीक है, कंपनी पेट्रोल का खर्चा भी दे रही होगी, घूम फिर के आ जाएं, कई लोग घूम फिर के आ जाते हैं, तो 8,000 अपने महीने के एंड पे लेते। कंपनी की सेल्स 3 लाख थी, चेंज क्या आई है, ही अंडरस्टूड व्हाट पीपल नीड, समझ के आई उनको कि लोगों को क्या चाहिए। जब आपको ये समझ आ जाए और आप ये कोशिश करें कि मेरे कस्टमर को चाहिए क्या, तो उससे जो चेंज आती है वो ज़रा देखें, इनोवेशन लाई, कस्टमर को पहचाना, देखा उसको क्या चाहिए, वो चीज़ प्रोवाइड की विद इन द 10 डेज, और बिज़नेस ओनर की मैं समझता हूँ बड़ी समझदारी है उनकी, कि उन्होंने समझ लिया कि एक शख्स मार्केट में पहचान गया है कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, तो वो काम कर दें, उन्होंने प्रोवाइड किया। तो डिफरेंस क्या आया, 3 लाख से 12 लाख पे 400 times ग्रोथ। अगर कंपनी की ग्रोथ 400 times है, तो इनकी सैलरी की ग्रोथ भी 400 times हुई है। वजह क्या है, अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट एंड ब्रिंगिंग एन इनोवेशन। सो अगर आपके पास नॉलेज है, तो प्लीज़ मार्केट को देखें, समझें और इनोवेट करें, लोगों की लाइफ को फैसिलिटेट करें, बेटर करें, तो आपके जो आपकी अर्निंग है वो भी 400 times इंक्रीज़ कर जाएगी, फ्रॉम 8 to 30। ठीक है सर, वंडरफुल। तो माशाल्लाह, वी लर्निंग सो मच एंड आई एम श्योर द किड्स आर लर्निंग अ लॉट टू। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने उसके बाद? जब वो उसके बाद ये हुआ कि तकरीबन 3 साल मैंने ये काम किया, जो कि मुझे सिर्फ 3 महीने के लिए या 2 महीने के लिए हायर किया गया था। 3 महीने के बाद मैंने फील किया कि एक मार्केट में एक नई प्रोडक्ट आ गई है और वो है PDCL। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने वो लॉन्च कर दिया, ऑफकोर्स इस प्रोडक्ट का जो फ्यूचर था वो ख़त्म हो रहा था। बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कंपनी से कहा सॉरी मैं अब ये जॉब नहीं करूँगा। अच्छा, मतलब आपको समझ आ गई कि अब इसका फ्यूचर नहीं है? नहीं है, ऑफकोर्स, तो मैं क्या करूँ उसमें। ठीक, अगर सॉरी सर मैं ये जॉब नहीं करना चाहता। ठीक, तो मुझे वापस मेरे बैक टू वर्ड्स, मैं डिज़ाइनिंग के काम पे आना चाहता हूँ, मेरे पास वो स्किल है, मैं उसको काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हमें टाइम दें। वो डिस्कशन हुई, बात हुई, कुछ थोड़ी सी हुई बात, मेरी और मेरे बॉस की बात हो रही है, तो इन बिटवीन वो मुझे सैलरी कह रहे थे कि अब तुम्हारी ये होगी, मैं कह रहा था इतनी, तो थोड़ा नेचुरली होता है ऐसे, तो इन बिटवीन में थोड़ा सा ऐसा कि मैं भी अच्छा फील नहीं था कर रहा, वो भी अच्छा नहीं थे कर रहे, तो मेरे वैसे भी उनके साथ चलो अच्छे तल्लुकात बन गए थे, टर्म्स बन गए थे। तो इन बिटवीन में मेरे बॉस के बड़े भाई आए, तो उन्होंने देखा कि आपस में ऐसे कर रहे, उन्होंने कहा यार शोभा तुम मुझे कल मिलो। ठीक है जी, ओके सर मैं आपको कल मिलता हूँ। अब बिग बॉस हैं वो, असल में उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने मीटिंग की, उन्होंने कहा शुभाद ऐसे करते हैं मैं तुम्हें ना अपने छोटे भाई के साथ मार्केटिंग को लगा देता हूँ। सर मोस्ट वेलकम, मैं तो घर से निकला हूँ काम करने, तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको अच्छी अर्निंग चाहता हूँ और स्किल अगर आप समझते हैं मेरा इस काम के लिए तो ठीक है। उन्होंने मुझे फिर वेबसाइट डेवलपमेंट की या इसकी जो मार्केटिंग है उस पर लगा दिया। सो माइट बी वो समझे कि ये मार्केटिंग में बेटर है, सो डैट्स वाई उन्होंने मुझे उस तरफ लगाया। उसका नतीजा ये हुआ कि मेरे बॉस इजी हो गए, जो मेरे बॉस थे तो उनको मैंने जो जितने उनके काम थे वो मैंने फिर करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास स्किल भी थी, मुझे काम की भी समझ थी, डिज़ाइनिंग की, डेवलपमेंट की बेसिक, तो उससे वो मुझे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मैंने को 10 दिन उनके साथ रहा हूँ तो मुझे सारी बातें पहले ही पता था, नतीजा अच्छा निकला और वो फिर इस तरह से मैं उनके साथ 13 ईयर जॉब करता रहा और उसमें भी मैंने हमेशा उनको जो बेस्ट
मैं कर सकता था वो मैंने उनको बताने की भी कोशिश की। हाँ सच टाइम ऐसा ज़रूर हुआ कि शायद मेरी बात को, क्योंकि मैं उन्हें एक वजह जो बड़ी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत नाइस पर्सन है, मैंने पूरी कोशिश की कि उस कंपनी के साथ 110% ईमानदारी से काम करूँगा। मेरी सोच ये थी कि मैं पहले दिन से जब से मैंने जॉब स्टार्ट की थी, जो मैंने ज़िंदगी में कभी गलत काम नहीं करना, डिसऑनेस्टी नहीं करनी, अपने काम जो भी मुझे देंगे मैं ज़िम्मेदारी से करूँगा, मेरा विजन सिर्फ इतना ही था। ठीक है। और दूसरा मेरा ये विजन था कि मैं अगर इस कंपनी के साथ हूँ तो मैं हर वो चीज़ अच्छी करूँगा जो मैं समझता हूँ इस कंपनी के लिए, वो मेरे लिए भी मेरा काम है। ठीक। अगर ये कंपनी है तो इसका मतलब ये मेरी है, मैं यहाँ से अर्निंग करता हूँ, ये मेरी जॉब है, ये मुझे पे ज़रूर करते हैं, लेकिन ऑफकोर्स मैं इस कंपनी का हिस्सा हूँ, तो मुझे वही करना जो अपने लिए सोचता हूँ। ओके, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अगेन, एंड द लेसन इज ऑन योर जॉब। जो भी काम आप कर रहे हैं उसको ऑन करें कि ये जो काम मैं अपनी कंपनी के लिए कर रहा हूँ लेकिन ये मेरा काम है, क्योंकि मैं अगर कर रहा हूँ तो मेरी अपनी एक शख्सियत है, मेरी अपनी एक पर्सनैलिटी है, मेरी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो अगर मैं अपना काम ऑन करके इस तरह से करूँ कि इसमें मेरी भी बेहतरी है और मेरी कंपनी की भी, और डिसऑनेस्ट ना हो, जैसे उन्होंने आपसे कहा कि आई वॉज़ नेवर डिसऑनेस्ट विद माई कंपनी, मैंने अपना काम बेहतरीन किया और इसलिए किया कि ये काम मेरी कंपनी के लिए भी बेहतरीन हो। तो जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, व्हेन यू हैव कमिटेड गिव यू 100%, बी ऑनेस्ट एंड डू इट फॉर योर सेल्फ ग्रोथ एंड फॉर द ग्रोथ ऑफ योर कंपनी टू। व्हेन बोथ वर्क टुगेदर द ग्रोथ इज़ गारंटीड। ठीक है, आपने 13 ईयर्स काम किया उनके साथ, तो फिर उसके बाद कहाँ आपको ये एक दिन ख्याल आया कि अब मुझे कुछ अपना करना चाहिए? एक्चुअली वैसे तो मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे टीचर हैं, उस्ताद हैं, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है रियली। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं उनको, मेरा जो उनसे इख्तलाफ था या जो मेरी छोड़ने की वजह बनी, वो एक्चुअली ये बनी थी कि मैं उन्हें कहता था कि मुझे टीम दे दें। ठीक। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर जॉब एंड देयर एक्सपेंस। ठीक। मुझे वही मिलना है जो मेरी वर्किंग होगी, क्योंकि मेरी सैलरी प्लस कमीशन सिस्टम होता था, तो उसमें यह था कि जितनी सेल हो, सेल होने के बाद अगर काम निकल जाता है, हो जाता है, तो देन मुझे कमीशन मिलती है। ठीक। तो इसका मतलब यह था कि मैं काम तो पकड़ लेता लेकिन वो निकलता नहीं था, डिलीवर नहीं था हो पा रहा। सो डैट्स वाई मुझे वहाँ पे थोड़ी सी ना एक प्रॉब्लम फील हुई। ठीक। इस तरह से प्रॉब्लम हुई कि मेरी इनकम कम होनी शुरू हो गई, और मैंने फील किया कि ये मुझे ठीक नहीं। मैंने उनसे कहा भी, एक दफ़ा नहीं, ईमेल भी की, बात भी की, सर मुझे टीम दे दें प्लीज़। सो इस तरह से वो, उनकी भी कुछ शायद मजबूरियाँ हों, दिया भी उन्होंने मुझे, ऐसा भी कई दफ़ा अपॉर्चुनिटी दी, लेकिन फो हो सकता है उनकी इंटरनली डेवलपर या प्रोग्रामर की कमी होने की वजह से, हो सकता है शायद उन्होंने वो कई दफ़ा नहीं कर पाए। सो मैं ये उनकी गलती नहीं समझता। हाँ ये है कि वो मुझे मेरे एंड से जो था वो मुझे मसला आ रहा था। ठीक। कि मेरे सोर्सेज या मुझे जो चाहिए था, मेरी नीड नहीं थी पूरी होती। फिर मैंने सोचा अच्छा ठीक है ओके। तो फिर मैंने वो एक मेरे हाई साहब हैं बड़े, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्त, उनके पास बैठा हुआ था, तो वो मुझे कहते हैं यार शुभाष तो अपना काम क्यों नहीं करता। मैं हाई साहब 13 ईयर मुझे हो गए हैं जॉब करते हुए, मेरा उनके साथ बहुत अच्छा चलेगा, रियली रिस्पेक्ट है, मैं ये काम करना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि उनके दिल में ख्याल आए कि यार इन्होंने मेरे साथ 13 साल काम किया, मैंने इसे सिखाया और ये यही काम करे। तो ये एक क्लैश होता है पर्सनैलिटी का। तो मैं इस क्लैश में ना मेरा दिल नहीं, ज़मीर नहीं मानता। उन्होंने कहा अच्छा तो फिर विश्वास क्या करना, मैं यार मैं कुछ सजा सब और कुछ करना चाहता हूँ। ठीक। हत्ता कि मैंने फिर एक्सपोर्ट शुरू कर ली। ठीक। और एक्सपोर्ट का नतीजा ये हुआ, एक साल मेहनत की, ऑफिस आके काम करता था थोड़ा बहुत, अल्लाह ने एक कस्टमर दिया, मेरा काम शुरू हो गया और मेरा काम थोड़ा सा चल पड़ा। वो कस्टमर एक ही था, मैंने सेटअप भी लगा लिया। नतीजा क्या हुआ, कोई काम में मसले मसाइल आपको पता हो सकते हैं, होते हैं, कस्टमर छोड़ गया, नतीजा क्या हुआ, मैंने जॉब भी छोड़ दी। कुछ वो बात होगी कुछ मेरी, तो मैंने कहा यार अब मैं जॉब छोड़ देता हूँ, अब मुझे इस अपने काम पे फोकस करना चाहिए। वो मैंने जब वो प्लान किया, मैंने उधर से रिज़ाइन दे के बड़े अच्छे तरीके से, आज भी उनसे मतलब मिलता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा उनसे कोई क्लैश नहीं है। वो मैंने जॉब उधर से छोड़ी, कुछ एक बात वो थी छोटी सी जहन में, लेकिन उस बात का हुआ ये कि मैंने जब छोड़ा
तो ख़त्म हो गया सारा कुछ, क्यों कस्टमर भी चला गया, मेरे मैं फंस गया, मतलब मामला मार्केट के कुछ होते हैं, बिजनेस में ऐसे होता है, कुछ मार्केट के पैसे होते हैं, कुछ अपने होते हैं, एक दो साल में जो किया था वो वैसे हो गया ख़त्म, अब मैं फंस गया। फिर मैंने वो हाजी साहब से बैठा, कहते हैं यार शुभाष सियाने कहते हैं काम वो करना चाहिए जरा आंदा है, ठीक। मैंने फिर से फिर अपनी आईटी की कंपनी एक स्टार्ट की वेब एक्सेस के नाम से 2014 में, ठीक स्टार्ट में बिल्कुल यानी जनवरी के अंदर बेसिक, मैंने 1 जनवरी से मैंने फिर वो स्टार्ट कर ली ताकि ये इस तरह से काम मेरा शुरू हो गया। और फिर मैंने अपनी उस पर काम करना शुरू कर, क्योंकि मैंने फील किया कि वो काम शायद मेरी उसमें स्किल नहीं थी या मेरे पास उसमें नॉलेज नहीं था उतना, सो डेट्स वाई मेरा कस्टमर या मेरा वो बिजनेस लॉस हुआ। मैंने सीखा बहुत कुछ उसकी वजह कि मैं साथ साथ ये सीख रहा था, पहले से मेरा एक कज़न था अल्लाह ताला उनको जन्नत दे फौत हो चुके हैं, तो उनकी कंपनी वो मुझे हेल्प के लिए बुलाता था, डिज़ाइनर था तो वो काम के लिए, तो उनके पास बैठ बैठ के मैं तकरीबन समझ लें कि कोई 50% मैं सीख गया हुआ था क्या करते हैं वो कम्युनिकेशन के मतलब आंसर क्या करना, इस तरह की बेसिक चीज़ें होती हैं। उससे मुझे ये हुआ कि मुझे जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था मुझे आसानी हो गई थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिजनेस करने के लिए पहले बिजनेस को बेसिक उसकी सीखना ज़रूरी है, वो मैंने नहीं सीखी, सो डेट्स वाई मुझे लॉस हुआ। और फिर मैं आईटी की तरफ आ गया वापस, क्योंकि मुझे वो उन्होंने कहा या शुभाष वो काम कर, अच्छा इसमें तुम्हारी कामयाबी होगी इंशाल्लाह। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उन्होंने कहा कि आपको वो काम करना चाहिए जो आपको आता है, yes. और जो नहीं आता उसको सीखें पहले। वो चीज़ जो उनको आती थी जिसके उन्होंने 13 ईयर्स काम किया था, किसी के पास सीखा था, उसमें इनोवेशंस लाई थी, उस फील्ड में वो आज भी कामयाब हैं। लेकिन वो काम जिसका नॉलेज 50% था जब वो काम किया तो इनिशियली तो उसमें बड़ा बूम आया, लेकिन इवेंचुअली ही फेल्ड। तो उन्होंने आपको ये बताया कि लॉस जो होता है किसी चीज़ में वो प्राइस होती है जो आप नॉलेज के लिए पे करते हैं, तो जब नॉलेज पूरा नहीं होगा तो फिर लॉस की सूरत में आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके बाद ही केम बैक टू हिज फील्ड। नाउ यू स्टार्टेड योर ओन कंपनी, यू सेड यू स्टार्टेड इन 2014 वेब एक्सेल्स, इट इज़ अ वेरी सक्सेसफुल कंपनी नाउ माशाल्लाह इन द सिटी, इट्स द बेस्ट, इट्स ऑन द टॉप, व्हेनेवर यू नीड एन इनोवेटिव बिजनेस सॉल्यूशन for your company, WebExcels is the first name. So, अब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने इतने साल लोगों के साथ काम किया, तो आपकी जो अपनी कंपनी है अब, उसमें आपने ऐसा क्या डिफरेंट किया है कि आपका एम्प्लॉई इतना खुश है आपकी कंपनी में काम करते हुए? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ जो लाइफ में पीछे मैंने जॉब की थी उससे मैंने बहुत कुछ सीखा, ठीक। मैंने अगर छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट किया तो उससे भी मैंने सीखा, ठीक। ऑफकोर्स खामियां इंसानों में होती हैं, नॉलेज नहीं होता चीज़ों को, मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है, तो बंदा सीखता है, ठीक है। सो अभी जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो फिर मैंने कोशिश की कि जो उसके कंपनीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ एथिक्स ऐसे बनाए जाएँ, ठीक है, जिससे कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी खुश रहें और कंपनी को भी उससे कभी कोई थ्रेट ना हो या नुकसान ना हो, ये दोनों के लिए ऐसा होना चाहिए, और अपने एम्प्लॉयज़ के लिए हर वो बेटर थिंग्स जो हम कर सकते हैं वो करनी चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्लॉय हैप्पी है वो सक्सेसफुल है तो मैं समझता हूँ कंपनी सक्सेसफुल है, ठीक। अब आपकी जो कंपनी है वो ग्लोबल चैनल पार्टनर है अलीबाबा की पाकिस्तान में, जी, तो हाउ डिड यू रीच दैट? अलीबाबा इज़ सच अ बिग कंपनी, तो कैसे ऐसा हुआ कि यू फाउंड कोलैबोरेशन विद देम? मैं ये समझता हूँ कुछ चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं, वो क्या होता है कि मैं समझता हूँ ज़िंदगी में जो लोग कुछ जिनके शायद मैं ये नहीं कहता कि मेरी उसमें कोई खूबी है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बंदे की कुछ ऐसी अच्छी चीज़ जो है ना वो क्या है जो कि उसके अमल होते हैं, अमल अमल से मुराद ये कि मैंने अपनी पीछे मैं अगर देखता हूँ कि अगर ये मुझे मिला है तो कैसे मिला था या क्या क्यों हुआ, रीज़न भी तो फाइंड आउट होती है, तो मैं ये फील करता हूँ कि मैंने पीछे कभी भी काम के अंदर जॉब के अंदर कमिटमेंट के अंदर कभी भी किसी बंदे से कोशिश नहीं की कि मैं दाग लगा लूँ उसको, धोखा दे दूँ या अपने आप के अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कर जाऊँ, ठीक है। वेरी सिंपल। सो हुआ ये जब मैंने कंपनी बेसिक स्टार्ट की थी, मेरे एक दोस्त थे उन्होंने उनके पास अलीबाबा का अकाउंट उठता था, उन्होंने कहा यशबाज मेरी एक दिन बात हो रही है तो डिस्कशन में वो कहता यशबाज मुझे ना अलीबाबा की यार तुम मेरी वर्किंग कर दोगे, मैं क्या ऑफकोर्स वाई नॉट क्यों नहीं करूँगा, 2 हज़ार मुझे अकाउंट उसने अकाउंट की एक्सेस दी, मैंने उस पर काम स्टडी किया अच्छे तरीके से, स्टडी करने के बाद मैंने उसका काम करना शुरू कर दिया।
जब काम शुरू किया तो वो मुझे कुछ थोड़ा बहुत पे कर देता, चलो इस तरह से मेरी मेरे भी एक्सपेंस हो रहे थे। मैंने काफ़ी उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया। इस तरह से क्या हुआ कि बाई चांस उसी कस्टमर के पास अली बाबा की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई कि यार तुम अली बाबा के गोल्ड सप्लायर हो, तुम बताओ सियालकोट में या इस एरिया में कौन सा कोई बंदा है जो इसका काम करता है, जो आप समझते रिकमेंडेशन देते हैं। उसने कहा यार ये बंदा सर ये मेरा ऑलरेडी काम कर रहा है और इसको हाउ नो काफ़ी अच्छी है। सो डैट्स वाई अली बाबा की तरफ से मुझे कॉल आई, एक फीमेल थी ईवा, उसने कॉल की कि आप अली बाबा के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। मैं कहा जी बताएं क्या आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, क्योंकि मैं समझता हूँ अपॉर्चुनिटी बंदे को ज़िंदगी में जहाँ भी मिले अवेल करनी चाहिए, बाकी रिजल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ दें। तो जब उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मेरे से शेयर की, उन्होंने कहा जी 5% कमीशन देंगे आपको। 5% कमीशन कितने, 5-7 हज़ार रुपया बनेगा बड़ी मुश्किल से एक अकाउंट के पीछे। अब वो 5% कमीशन थी, मैंने कहा अच्छा ठीक है आई कैन डू, मैं करता हूँ। उन्होंने मुझे अपना सारा प्रपोजल दिया, बताया एग्री, मैंने कहा ठीक है लेट्स ट्राई तो करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग में पहले ही कर चुका था, मुझे अच्छा आइडिया था और ऑलरेडी मेरे पास कुछ क्लाइंट भी चले वेब से रिलेटेड या इस तरह से थोड़े बहुत थे। जब मैंने उसका स्टार्ट किया तो वो नतीजा ये हुआ कि पहले साल में मुझे कोई सक्सेस नहीं मिली और पूरे साल में मेरा ख्याल मैंने 5 या 7 अकाउंट हेल किए सिर्फ पूरे साल के अंदर। और मैंने उस पर किया क्या, फिर मैंने उस पर कुछ मेरा ख्याल है कोई अबव देन 2 लाख इन्वेस्ट भी किया, एम्प्लॉयमेंट लैदा थी उसके लिए बंदे, लेकिन असल बात जो मैंने इन्वेस्ट किया वो मैंने उसकी मार्केटिंग स्टार्ट की थी। उसका एक सेमिनार किया, पूरे पाकिस्तान से लोगों को इन्वाइट किया और वो इन्विटेशन भेजा, अली बाबा ने भी उसकी मेल्स की। तो सियालकोट में जीवन होटल के अंदर मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया, उसमें मैं फर्स्ट टाइम मैं लोगों के सामने मेरी प्रेजेंस हुई और मैंने एक उनके सामने फिर अपना अली बाबा के मुतल्लिक शेयरिंग की, जो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली थी, कुछ सीखा था उनसे, उन्होंने भी मुझे काफ़ी अच्छा गाइड किया, उससे मुझे सीखने को मिला। फिर मैंने उसका बाकायदा एक कंडक्ट किया लोगों को इन्विटेशन के साथ। जब मैंने ये किया तो उससे ये हुआ कि मेरे में और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, वो ये था कि लोगों के साथ इंटरेक्शन विद विद द क्राउड, वो फर्स्ट टाइम जो था वो मुझे पता है कि मैंने क्या, क्योंकि पहले 2 मिनट में मेरी टांगें कांपती रही थी लेकिन आफ्टर दिस मैंने तकरीबन 1.5 घंटा बात की थी। फिर पहले 1 से 1.5 मिनट में मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ, लेकिन उसके बाद मैं वो सारा बड़ा ज़बरदस्त रहा और इस तरह से फिर मैं कंटिन्यूसली हर महीने में एक सेमिनार कंडक्ट करता रहा। ठीक है, उसकी मार्केटिंग उसका नतीजा ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता लोग मुझे जानना शुरू हो गए और फिर मेरा जो लोकल बिजनेसमैन थे उन तक मेरा मैसेज पहुंचा। इस तरह से हमें फिर वो सेल थोड़ी बढ़नी शुरू हो गई और आहिस्ता आहिस्ता फिर वो मेरे अगर अब देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का शुक्र है। ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इज दैट इनिशियली एवरीथिंग इज डिफिकल्ट, शुरू शुरू में हर चीज़ मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कंटिन्यूसली काम करते रहें, मुसलसल काम करते रहें, सीखते रहें और उसको इम्प्रूव करते रहें तो कामयाबी गारंटीड है। सो इन हिज केस उन्होंने आपको बताया कि द अपॉर्चुनिटी वॉज देयर, और जब आप अपना काम नेक नियति से करते हैं तो लोग भी आपको रेकमेंड करते हैं। तो एक रेकमेंडेशन से ही स्टार्टेड वर्किंग विथ अली बाबा एंड टुडे अली बाबा इज़ अ ह्यूज सक्सेस इन दिस कंट्री, और इसमें उनका इनका अपना बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने आपको बताया कि पब्लिक स्पीकिंग इतना आसान काम नहीं था उनके लिए, मुश्किल था, शुरू शुरू में टांगे भी कांपी, लेकिन उसके बाद ये चीज़ ठीक हो गई और आज उनको बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं होती। तो आप ये देखें कि एक बच्चे का अगर ये फियर स्टेज का बचपन में ही ख़त्म कर दिया जाए कि स्टेज पर खड़े होकर लोगों से बात करनी है, तो एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल में अपनी असेंबली के सामने खड़ा होकर तिलावत कर देता है तो वो टांगे वहाँ पे ही कांप जाएंगी। कल को वो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होगा तो फिर उसको पब्लिक का फियर नहीं रहेगा। तो ये स्कूल्स के लिए है, पेरेंट्स के लिए है कि अपने बच्चों को हेल्प करें, उन अगर वो कुछ करना चाहते हैं स्टेज पे तो मना मत करें, क्योंकि कल को ज़िंदगी एक बहुत बड़ा स्टेज है और जब आपको लोगों के सामने जितना आप ज़्यादा कामयाब होना चाहते हैं उतने ज़्यादा लोगों से काम करना पड़ेगा, और जब आप उनके सामने खड़े होकर एज अ लीडर लीड करेंगे तो फिर आपकी टांगें नहीं कांपेंगी। तो ये स्कूल का भी काम है, पेरेंट्स का भी। ऑलराइट सर, वी लर्नड सो मच, और जो नेक्स्ट सिटिंग होगी उसमें हम आपसे वेब एक्सेल्स के बारे में जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में और किस तरह से आप बिज़नेस को फैसिलिटेट कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमारे साथ द ब्रेन्स में थे मिस्टर शहबाज़ फ्रॉम वेब एक्सेल्स।
अलीबाबा के लीडिंग ग्लोबल पार्टनर हैं पाकिस्तान में, और अ वंडरफुल ब्रेन हु हैज़ लर्न सो मच. तो मुझे उम्मीद है आपने आज बहुत कुछ सीखा होगा. इसी पे आपसे इजाज़त चाहते हैं. मुझे डॉक्टर ज़ैन जावेद और मिस्टर शहबाज़ को इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.